तुझको मुबारक कहते हैं, तेरा परस्त करते हैं, तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बारे बाप के बेटे, तो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर, तो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर, तो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर, तो खुदा बाप के दाहिने हाथ में बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, ऐ मसीह तू ही रूह कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम गीत गाएंगे, 620 नंबर का गीत है, ये भी उठाएगा, 620 नंबर का गीत है, आशीष उससे चाहते हैं। तो हम चांद भाई के लिए प्रार्थना में रखेंगे, ज्योतिका के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके हेल्थ के लिए सौमित्रा दीदी की भाभी सीरियस है जबलपुर में, तो हम उनकी रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
जॉय सिस्टर की पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ था, सो उनकी हेल्थ के लिए उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कपिल की मम्मी के लिए हम प्रार्थना करेंगे और रानी सिस्टर की उनकी बेटे के लिए सुरैया के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। ओके, हम भाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे। महान अचित्र अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तो दया का सागर है पिता, विशेष प्रार्थना पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हड्डी हड्डी मास मास लव लव के तहत पिता परमेश्वर आपकी चंगाई बनी रहने पाती है। सुबह चांद के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए, हेल्थ के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपकी दया ठहरने पाए। साथ ही साथ हम ज्योतिका के लिए, उसके हेल्थ के लिए, रिकवरी के लिए पिता परमेश्वर, और पिता चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र जी की भाभी के लिए पिता परमेश्वर, अनुग्रह के द्वारा पिता तुम उनको भी छू और स्पर्श कर अपनी दया में रखकर आप पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जॉय सिस्टर के लिए, धन्यवाद भी देती है ताकि पिता बीते समय के दौरान जब ऑपरेशन हुआ पिता आपने उन्हें चंगाई दी है पिता परमेश्वर, अब तक संभाला है। अड्डे अड्डी गुदे गुदे मास मास लव लव के तहत पिता परमेश्वर अपनी करुणा में रखा है, सो हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कपिल की मम्मी के लिए पिता, जो बुजुर्ग अवस्था में पिता, अनुग्रह के द्वारा उन्हें भी आप चंगाई प्रदान करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सुरैया के लिए, रानी सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, परिवार के लिए, उनकी बेटी की चंगाई के लिए पिता परमेश्वर, ताकि आत्मा के तहत पिता परमेश्वर परिपूर्ण होकर पिता परमेश्वर बढ़ने पाए। और पिता परमेश्वर विशेष प्रार्थनाओं के तहत पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर नहीं आ सकते तेरे समक्ष पिता परमेश्वर, हम उनके जीवन के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। तो अनुग्रह के द्वारा उनकी प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है, दयालु और कृपालु परमेश्वर है, जबकि पिता हमारी छुपके प्रार्थनाओं को सुनता है और पिता परमेश्वर स्मरण रखता है। प्रार्थना करते हैं पिता, हम जैसे ही पिता, हम जैसे भी हैं पिता, आप हमें ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रह के द्वारा तो हमें छू और स्पर्श कर अपनी दया में रख, अपने प्रभुत्व में रख पिता परमेश्वर। और आराधना के इस समय के दौरान पिता परमेश्वर वचन के तहत आपकी अगुवाई होने पाई है, सब इस बात को भी धन्यवाद के रूप में रखते हैं। बड़े आराधकों के तहत पिता परमेश्वर, आराधना के तहत पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपनी कमी घटी में से प्रेम से उदारता से दिया है, सब इस बात को भी धन्यवाद के साथ में रखते हैं। जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में अगुवाई कर, संभाल और अपने प्रभुत्व में रख, उद्धार करता। प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने कबूल के जैसे प्रार्थना व्यक्ति को। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक ना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज के बख्शते और जिस प्रकार तुमने हमें सुना कि हमारे कसर को भी माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा तेरे ही है। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, अब पवित्र आत्मा की संगति से सहभागिता अब से लेकर हम सबों के साथ में मसीह के विश्वास के रूप में आशीष युगानी युग बने रहने पाए। आमीन। नाम लिए हैं वे रुक जाएंगे, ठीक है ना, आप सब मीटिंग में बैठेंगे ताकि हम उसके बाद में मीटिंग